घबराए, मिलो तो आप छुराए, हमें क्या। हेलो बीबी, कैसी हैं आप? कैसे हैं सरदारी? कैसे हैं बच्चे और कैसे हैं वोट? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला मुशी भाई, मैं ठीक, बच्चे और जरदारी ठाक, बाकी बचे वोट तो वो आपकी अमानत हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बातें करती हैं आप। अच्छी बातें तो हम करे हैं, पर क्या फायदा, आप कुछ सुनते ही नहीं। अब बीबी ये बताएं कि आपने इस मीटिंग के बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं है? कौन सी मीटिंग? ओह यस यस, तो बताइए क्या एजेंडा है इस मीटिंग का? नो, लेडीज फर्स्ट। सबसे पहले तो हम ये चाहे हैं कि आप अपनी वर्दी उतारें। क्या वर्दी उतारें? ओ बाबा, क्यों उतारें? क्या आपने पहननी है? अगर हम कहें हाँ तो? आपको मेरी जरूरत होनी चाहिए, मेरी वर्दी की नहीं। एक भाई जब वर्दी पहन सकते हैं तो उसकी बहन वो वर्दी क्यों नहीं पहन सकती हैं? अगर कोई भाई कमांडो है तो उसकी बहन कमांडी हो ना। औरतें अगर वर्दी इस्तेमाल करें तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? वैसे भी फौज तो जंग लड़ती है, लड़ता थोड़ा ही है। मुझे ये बताएं, आप वर्दी तो दे रहे हैं ना? अगर वोट बैंक का वादा पक्का है तो ठीक है, लेकिन वर्दी का एहतराम करना पड़ेगा। इसकी तो आप फिक्र ही ना करें, बस छोटी मोटी चेंजेस के साथ इट विल बी परफेक्ट। चेंजेस? मैं चाहती हूँ कि कॉलम वाले स्टार्स हटा के क्रोशिये का काम करा लिए जाए, और साइडों में स्लेट्स बनवा के और स्लीव्स को पिको करा के कुछ ब्राउन शेड के साथ जामावार का काम अगर हो जाए तो कसम से वर्दी फैशन में आ जाएगी। ये मुझे मुल्क के साथ साथ वर्दी का फ्यूचर भी कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से बीबी बहन, काम की बात करनी चाहिए। हाँ, 10 ईयर्स के इंतजार ने हमें 10% की वैल्यू का अंदाजा करा दिया, और जरदारी की इज्जत हमारी नजर में 20% बढ़ गई। बीबी बहन, मेरे ख्याल से इस वक्त इस मीटिंग को बर्खास्त किया जाए। ठीक है मुश भाई, फिर दोबारा भी उस मीटिंग में बात होगी जिसमें ना आप थे ना हम, जो पता नहीं कब कहां और क्यों ना हुई ना होगी। ओके बीबी बहन, अबू धाबी, पाइंदाबाद, टेक केयर। ओके मुश भाई, फे मान अल्लाह, खैर नाल जा ते खैर नु भी नाल ले जा। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आ